दोस्तों, तो आज हम लोग झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं देखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर से, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हातू। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अखरा। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मानकी। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाहन। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पद है। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाली कटारी। मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है। अखरा, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो भूत खेता। नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फणी मुकुट राय। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालगुजारी। मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बुहारी। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो इसका आंसर हो जाएगा उरांव। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महतो। उड़ान जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांझी। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में दो या अधिक गांवों के बीच के विवादों का समाधान कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ा। 16 नंबर देखते हैं दोस्तों। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता है वह किसे हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ा दीवान। 17 नंबर, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ा दीवान। 18 नंबर देखते हैं दोस्तों। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादक कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाहन। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहनाई भूमि। मांझी प्रगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांझी। मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुड़ैत। 22 नंबर, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसे उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणीक। चलिए दोस्तों, 23 नंबर देखते हैं। मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो प्रमाणिक। 24 नंबर, मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है, तो लासे टंगाया। 25 नंबर दोस्तों, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौकीदार। 26 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिटलाहा। बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांव से बहिष्कार, उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों। 28 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा करेला करेला दंड। चलो दोस्तों, हम लोग 29 नंबर देखते हैं। मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नायके। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। 30 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगदो प्रजा। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडा मानकी।
निम्न में किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडा मानकी। 33 नंबर, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाकुआ। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवरी। 35 नंबर, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़िया। 36 नंबर, ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैठक। 37 नंबर, खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1934 से 35 तक में। 38 नंबर, निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति के प्रकार नहीं है? तो इसका हो जाएगा टांगे खड़िया। 39 नंबर, खड़िया जनजाति में गांव के मुखिया को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधान। 40 नंबर, खड़िया शासन व्यवस्था में शासन संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा करटाहा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं। पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डांडिया। पहाड़ी खड़िया गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिवरी। ढोकलो सोहोर महासमिति समर्थन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा का। और जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं? तो भूहरस। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूजा पाठ। प्रारंभिक काल में मुंडा जनजाति के बुहारी पढ़ा के अधिकारी थे कुंवारकर्ता, कुंवारकर्तोलाल। 27 नंबर, प्रारंभिक काल में मातों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बैगा। चल दोस्तों, हम लोग 48 नंबर देखते हैं। संतालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणीत। किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? 49 नंबर दोस्तों, मुंडा मानकी व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस विल्किंसन। 50 नंबर, किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहार। भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध भाई के नहीं होने पर पिता की संपत्ति का अधिकार होता है पुत्री को। 52 नंबर, करमाली जनजाति की जातीय पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालिक। परहिजा जनजाति की जाति पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भयारी व जाति गोट। कोरवा जनजाति में भात भीतर प्रथा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाज बहिष्कृत सदस्य को पुनः अपनाना। बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बटे होते हैं जिसे कहा जाता है टंडा। बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन है? तो इसका आंसर हो जाएगा टंडा। किस जनजाति में गांव के प्रधान को गौटिया कहा जाता है तथा वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा खोंड। 58 नंबर दोस्तों, बथोड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोहर। मादी तथा गद्दी नामक पद किस जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिछिया। विद्या जनजाति में कई लोगों को आपस में मिलाकर अंत ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है, इसके मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार। खरवार जनजाति में चार गांवों की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चट्टी। इसका आंसर हो जाएगा चट्टी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज 1 से लेकर 63 नंबर तक क्वेश्चन आंसर देखे। इसको पूरा कंठस्थ याद करने के लिए कम से कम 4-5 बार देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि याद हो जाए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों, ताकि मैं और इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।